व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हम सभी लोगों में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है। कुछ लोग इन कमियों को जिंदगी की रुकावट समझ लेते हैं, तो कुछ प्रेरणा स्रोत। यह धारावाहिक उन लोगों के जीवन से प्रेरित है जो सभी प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बस उन्हें चाहिए एक थपकी प्यार की। चिप ठीक हो सकती है शायद। वो अपने ऑफिस में जो मशीन वशीन कंप्यूटर ठीक करने आता है ना, उस इंजीनियर को मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी जरूर मदद कर सकता है। काका तो प्लीज आप उसे जल्दी बुला लो ना, उनको कहना कि बहुत बहुत अर्जेंट है। बस इसी लायक हो ना तुम। मैम वो मैं सिर्फ कपड़े लड़ाने आती हूँ ऑफिस में, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। मैम व्हाट कहा था ना ऑफिस में आती, चिप एडिट पर दे देना, क्यों नहीं दी? तो शुक्र है मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और मैं ऑफिस आ गई, वरना तुम्हारे भरोसे तो चिप दो एडिटिंग पे देनी। चिप दो वो बोलो मत, क्योंकि जब तक तुम चिप बोलोगी शाम के 5 बज जाएंगे और इंटरव्यू सिर्फ चिप में रह जाएगा। तो मैम मैं अभी लेकर आती हूँ, रुक रुक के मत जाना। हो गई बात बेटा। छुटकी, ये ध्रुव भैया के जन्मदिन की तैयारी करते करते ना हम दोनों का मरण दिन हो जाता है। पर इतनी सारी मिठाइयाँ तो कोई हलवाई के अभी ना बनती होगी जितनी बड़ी सासू माँ ना हमसे बनवाती है। और का बाजार से भी तो नहीं मंगवा सकते ना, पिछली बार याद है ना बाजार से मिठाई मंगवाई थी, बड़ी सासू माँ ऐसे सूंघते ही समझ गई थी और एक हफ्ते तक हम दोनों को सुबह शाम मिठाई बनानी पड़ी। पता नहीं कब बड़ी सासू माँ हम पर मेहरबान होगी और कब हम इस घर की मालकिन बनेंगे। हाँ बड़की, पता नहीं कब वो सुनहरा दिन आएगा जब हम दोनों इस घर में राज करेंगे। राज है ना, हम रही ये सब कुछ अब हमारा ही है, ऐश करेंगे ऐश। अरे बहुरानी, तुमने अभी तक ये मिठाइयाँ खत्म नहीं की और देखो मैं तुम्हारे लिए और मिठाइयाँ बना लाई हूँ अपने हाथों से। अरे बस करिए ना बड़ी सासू माँ, ये सब की कोनो जरूरत थोड़ी ना है। आज तक तुम लोगों ने मेरी सेवा की है, अब मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। तुम लोगों ने शरबत नहीं पिया, मैंने अपने हाथों से बनाया, पता है? पिया सासू माँ, बहुत पिया। थोड़ा और पियो ना। मैंने तो 2 ग्लास पिया है। पियो पियो पियो। अरे पियो अरे पियो पियो। अरे सासू माँ बहुत पी लिया। अरे अरे चुटकी, ये क्या कर रही है तू? अरे बड़की कहाँ हो गया? अरे ये तो पूरा बूंदी का शरबत बन गया, अब क्या होगा? इसे ना जल्दी ठीक कर, बड़ी सासू माँ अभी आती होगी। अभी तो फिर से बनाना पड़ेगा बड़की। हाँ जल्दी बना। भैया और कितनी देर लगेगी? चिप की हालत देखिए, अगर इंटरव्यू रिकवर हो गया ना तो चमत्कारी समझो। बेटा थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो। हाँ काका। भैया थोड़ा कोशिश करिए ना, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। भैया कुछ भी कीजिए, पर नहीं तो ध्रुव सर। हाँ माँ। बेटा वो चिप, कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, अभी कोशिश ही कर रहे हैं। सब मेरी गलती से हुआ है, तू बता दे अपने ध्रुव सर से, मैं माफी मांग लूंगी उनसे। नहीं माँ, माफी नहीं, इंटरव्यू ज्यादा जरूरी है। 0 नंबर बोला था, अभी चिप लेकर आती हूँ, तब से गायब। मुझे भागना पड़ रहा है इसके पीछे चिप के लिए, मुझे इसे चिप देनी नहीं चाहिए। माँ माँ मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो माँ मुझे सबको सच बताना पड़ेगा कि इंटरव्यू की चिप आलू चिप्स बनकर कढ़ाई में फ्राई हो चुकी है और खराब हो गई है। फ्राई हो गई है बहुत।
कितनी बढ़िया लग रहा है। कब काटेंगे हम इसे, कब आएंगे ध्रुव भैया? ध्रुव भैया तो आ जाएंगे, पर बड़की हम लोगों ने जब वो 20 मिठाई बनाई है ना, वो एक तरफ, और ये बड़ी सासू माँ का बनाया हुआ केक एक तरफ, जो उन्होंने ध्रुव भैया के लिए बनाया है। आ गया ध्रुव तू? थैंक यू भाभी, हैप्पी बर्थडे ध्रुव। थैंक यू। क्या बात है देवर जी, इस शर्ट में तो एकदम जच रहे हैं। वो क्या कहते हैं ना, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट। थैंक यू भाभी। हाँ हाँ चुटकी, देवर जी आप ना बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, सच्ची। थैंक यू। अब माँ मैं चलता हूँ। ध्रुव केक। हाँ भाई केक तो काट कर जाओ। देवर जी हमें पता है आपको ये बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, पर वो कहा है ना, बड़ी सासू माँ ने ना बहुत ही प्यार से अपने हाथों से आपके जन्मदिन के लिए केक बनाया है। अपने बेटे के लिए केक बनाना सीखना कौन सी बड़ी बात है। हाँ ध्रुव केक तो काट के जाना। बड़ी माँ का दिल रखने के लिए सही। काट लो ना देवर जी, काट लो ना। ठीक है माँ, आपके लिए। Happy birthday to you, happy birthday to you। कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो तुम। ज्यादा ओवर एक्टिंग करूंगी तब तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना आपको। सर आज तो मैं देवर जी की चाय पे कितनी आ रही हूँ। भाभी आपको तो पता है ना मुझे मुंह पे केक लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई ना, ऐसे तो ले लो, और भाई हमें भी तो खिलाओ। मैं काट देती हूँ। हम काट देते हैं ना। अरे दो दो। अरे हमको भी तो चखाओ। माँ एक मिनट। लो खाओ। क्या हुआ? ये लीजिए माँ। ध्रुव आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन तुम ये नहीं दोगे तो नहीं चलेगा क्या? माँ हर महीने इसी तारीख को मैं आपको किराया देता हूँ। लीजिए बाबूजी को दे दीजिए। लेकिन ध्रुव मैं माँ बाबूजी के गलत रास्ते से कमाई हुई इस दौलत का हिस्सा नहीं बन सकता। ये लीजिए बाबूजी को दे दीजिए। वो तुम्हारे बाबूजी हैं तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? बाबूजी और मैं कभी एक थे ही नहीं माँ, तो फिर अलग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ध्रुव तुम तो जानते हो ना उन्हें। माँ यही तो प्रॉब्लम है, मैं अपने बाबूजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे बाबूजी ने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ बनाया वो सब सिर्फ गलत तरीकों से बनाया। मैं जानती हूँ ध्रुव, लेकिन तुम ये सब बातें अपने न्यूज ऑफिस में रखो। ये घर के अंदर तुम बाप बेटे के बीच की दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। माँ मैं इस घर में रह रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, बाबूजी और मेरे बीच में हमेशा दूरी रहेगी, हमारी सोच की वजह से। लेकिन बेटा मैं माँ माँ छोड़िए ना, वैसे मेरी मॉम ने ना केक बहुत ही अच्छा बनाया था। कहां से सीखा? अच्छा चलो आई विल सी यू बाय। बनावटी मुस्कान से तूने हमें खुश तो करना चाहा बेटा, पर हम जानते हैं कि तू अंदर से कितना दुखी है। यस ध्रुव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भैया। प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? अभी पता चल जाएगा, कुछ हुआ तो ठीक है वरना चिप फेंक देना। इंटरव्यू की चिप जो एडिट करके रेडी रखने को कहा था ना तुमने, पर वो चिप। क्या वो चिप? तुम्हें चिप मिली या नहीं मिली? नहीं ध्रुव नहीं मिली, और मिलेगी भी नहीं। व्हाट? भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, साक्षी मैम भी वेट कर रही होंगी और अभी तो इंटरव्यू एडिट होना भी बाकी है।
इतना भरोसा करके मैंने उस लड़की को चिप दी थी और उसने क्या किया, चिप को चिप्स की तरह फ्राई कर दिया। अब वो चिप भी गई और चिप के साथ मिस प्रिया का इंटरव्यू। सॉरी, चिप पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इंटरव्यू किसी भी हाल में रिकवर नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे ध्रुव सर। Thanks everyone. आप सब अपना काम कीजिए। Thank you. Happy birthday ध्रुव। Thank you. साक्षी चिप का क्या हुआ? विवेक, टेक्निकल टीम और कमर्शियल टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ, और सारे इंटर्न्स को भी। ओके सर। थपकी आज नहीं बचोगी तुम। ध्रुव ने तुम्हें हायर किया था ना, अब ध्रुव ही तुम्हें फायर भी करेगा, वो भी सबके सामने। I'm really sorry. मैं इंटरव्यू रिकवर नहीं कर पाया। देखिए, आप सॉरी मत कहिए। वो तो चिप ही खराब थी, वरना आपने तो पूरी कोशिश की थी। ठपकी मैडम, जल्दी चलिए, ध्रुव सर ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। ध्रुव सर को क्या जवाब दूंगी मैं? Six people got badly hurt in a car crash. अच्छा अच्छा, क्या मतलब क्या हुआ बाबूजी? इसका हिंदी अर्थ है कि एक कार दुर्घटना में 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये ससुराल अंग्रेजी में बुरी खबर भी मीठी मीठी सी लगती है। ऐसी भाषा बनाई है कि बोलते समय मुंह भी पूरा नहीं खुलता है। कम सिट, ओके, टाटा, बाय बाय। एक हमारी भाषा है कि मुंह फाड़ के निकलती है और कलेजा चीर के लगती है। जो राम दुलारी। देखा। ये लीजिए आपके बेटे का इस महीने का किराया। शिवा, क्या गरीबों में बांट दे? जी बाबू। और कहिए। आप हर बार ऐसा ही क्यों करते हैं? आपके बेटे की मेहनत की कमाई है ये, अपने पास क्यों नहीं रखते आप? कमाई पास रखना तो दूर, अगर हमारा बस चले तो हम उसको ही अपने पास ना रहने दें। सिर्फ आपकी वजह से ही उसको बर्दाश्त करते हैं हम अपने सामने। तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही रुका है यहाँ पे? आपकी शहपरी तो पंख निकले हैं उसके, हाथ के नीचे रहना था लेकिन इतना पढ़ा लिखा गया कि हाथ से ही निकल गया। आप हमेशा उस पर गुस्सा क्यों करते हैं? कभी प्यार से समझा कर भी देख लीजिए। जहाँ एक दूसरे की समझ ही ना मिले वहां समझने और समझाने के लिए कुछ नहीं बचता। आप समझाइए, सर पे बैठाइए, हमें बख्श दीजिए। चल चल दुलारी भाई, चल। अपनों से तो तू ही भली। तो ये सिचुएशन है, बताइए क्या किया जा सकता है?
सर आज अगर मिस प्रिया का इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फेयरनेस क्रीम और ब्यूटी सोप ने इस इंटरव्यू को स्पॉन्सर किया है, हम इन सबको क्या जवाब देंगे? मैंने मिस प्रिया के असिस्टेंट से बात की है, इंटरव्यू फिर से अरेंज किया जा सकता है, मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिस प्रिया आउट ऑफ कंट्री है, 6 महीने बाद ही लौटेगी। फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब गलती मेरी है जो उस लड़की पे भरोसा किया, पर मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ ना, आई मीन हम ट्रेनीज को जिम्मेदारी देंगे तभी तो वो सीखेंगे, पर देखो ना उस लड़की को सिखाने का नतीजा क्या निकला, पहली बार में सब कुछ। इंडस्ट्री में कितना बड़ा मजाक बनेगा हमारा, सब उस लापरवाह लड़की की वजह से। मैं आई कम इन सर। कम इन। इंटरव्यू की चिप तुम्हारे पास है? कहाँ है वो चिप? बेचारी थपकी, उसकी जॉब तो गई यार। ये क्या चिप रीड हो रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहाँ है चिप? तुम जानती भी हो तुमने क्या किया, कितना बड़ा नुकसान किया तुमने मेरे और मेरे चैनल की रेपुटेशन का। इंटरव्यू के प्रोमोस टीवी पर चल रहे हैं, स्पॉन्सर्स, दूसरे न्यूज चैनल्स, हमारे दर्शक और खुद मिस प्रिया इस इंटरव्यू का वेट कर रही है। क्या बोलूं मैं उन सबको? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ना, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसे रख ली। आज हमारे चैनल में वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। आज भले ही मिस प्रिया का इंटरव्यू टेलीकास्ट होना हो, बट मिस थपकी तुम आज के बाद इस ऑफिस में नजर नहीं आओगे। सही कह रही हूँ ना ध्रुव? लो बेटा, तुमने अपनी डेस्क से इंटरव्यू वाली चिप मंगाई थी ना, लो। बेटा माफ करना, इतने लोगों के लिए चाय बनाना थी ना, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ये क्या नाटक है, ये कौन सी चिप है? चिप तो खराब हो गई थी। सो मिस प्रिया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या? दूसरों की तरह हम आपको बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स में देखेंगे या आप अपने देश के लिए भी कुछ करेंगे? जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने देश को साफ और सुंदर बनाना चाहती हूँ। अब मिस प्रिया मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही है और हमें पूरा यकीन है कि वो वहां पे भी विनर बन के हमारे देश का नाम रोशन करेगी। थैंक यू काका। ध्रुव, इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए, अभी तक ये भी नहीं सीखा कि किसी पर भी सबूत के बिना इल्जाम लगाना गलत बात है। ध्रुव, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना था चिप फ्राई हो गई थी। और साक्षी, अभी अभी तुमने अपनी आंखों से इंटरव्यू देखा, तब भी यही बोल रही है? साक्षी मैम झूठ नहीं बोल रही है, सच मुझ में चिप फ्राई हो गई थी। सर मैम बहुत डर गई थी, फिर एंड टाइम पर आकर काका ने मदद की, मिस्टर आलोक है ना, उनको बुलाया और तब जाके सर इंटरव्यू रिकवर हो पाया। सर जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए काका। इस बच्ची से जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, लेकिन इसने अपनी गलती सुधारने में
कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे इस बात का डर नहीं था कि इसकी नौकरी चली जाएगी, इसे इस बात की चिंता थी कि कहीं आपकी मेहनत बेकार नहीं हो जाए। हो सके तो इसे माफ कर दीजिएगा सर जी। सॉरी सर।